पीड़ित ने लगाई गुहार, ऑपरेशन के दौरान मेरी किडनी निकाली गई। प्रयागराज के थाना खुलदाबाद थाना अंतर्गत गुलाबबाड़ी गुल पुलिस चौकी के पीछे स्थित हरजन बस्ती के हर केस का सनसनीखेज आरोप है कि शहर के एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने स्टोन दर्द बताकर एक माह पूर्व ऑपरेशन किया था। एक माह बीत जाने के बाद भी जब उसको आराम नहीं मिला तो प्राइवेट डॉक्टरों से दिखाकर चेकअप कराया, जिसमें डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया तो उससे हर केस की एक किडनी गायब मिली, जिसको लेकर हर केस के परिजनों ने काफ़ी आक्रोश। हर केस अपने परिवार संग और मोहल्ले के लोगों के साथ सागंज थाने पहुँचे, जहाँ दोनों तरफ से क्रॉस FIR दर्ज हुई है। वहीं कालोना हॉस्पिटल के CMS BK श्रीवास्तव इस पूरे प्रकरण के मामले में 3 सदस्यीय जांच बिठाकर 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। क्या था प्रॉब्लम आपके साथ, क्या हुआ? जी मेरे गुर्दे में पथरी थी, डॉक्टर साहब ने कहा जो है ऑपरेशन से निकलेगी, 15 ml की है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ही निकल जाएगी, तो कहने लगे नहीं, ये 10-17 की बात है। ऑपरेशन मेरा किया गया, मैं 2 दिन ठीक था, 3रे दिन से मेरी आज तक मवाद गिर रही है। तो मैंने 2 तारीख को वो CT scan करवाया, उसमें पता चला किडनी नहीं है। हाँ तब पता चला, और आज तक मेरा 1.5-2 महीना हो रहा है जब से यहाँ से वो मवाद गिर रही, पस गिर रहा है, ये आप देख भी सकते हैं इधर। तो मैं, मेरा नाम हरिकेश। सर क्या था पूरा मामला? सर ये 17 तारीख में मैंने यहाँ पर पथरी थी और किडनी में 15 ml की, उसकी यहाँ पर डॉक्टर साहब को दिखाकर उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आपकी हम यहाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के लिए उन्होंने 16 में एडमिट किया, 17 में ऑपरेट कर दिया। उस समय हमारी दोनों किडनी थी, जब हमारी वो रिपोर्ट भी है हमारे पास। उसके बाद में सर डॉक्टर साहब के संपर्क में हम लगातार रहे, इनकी पस नहीं बंद हुई, और हम लोगों को डाउट भी हो रहा था कि पता नहीं कुछ और मामला है क्या है। फिर उसके बाद में सर हम लोगों ने क्या हुआ कि डॉक्टर साहब से जब संपर्क में कंटिन्यू में, तो उन्होंने हमें SRN रेफ़र कर दिया। SRN में हमने दिखाया तो उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ तुमने किडनी का ऑपरेशन कराया है, पथरी का या किडनी निकलवाई है? हमने कहा नहीं सर, हमने तो पथरी का कराया था और इतनी थी। कहा नहीं, तुम्हारी लग रहा है, हमें डाउट है कि शायद किडनी निकाल ली है। उसके बाद में उन्होंने 2 जांच लिखी, एक यूरिया और एक क्रिएटिन करके, वो जांच वो थी, और दूसरी एक CT scan IVP की जांच, जिससे फिर बाद में हमने प्राइवेट में डॉक्टर सभी अहमद को, जो SRN के प्रोफेसर हैं, उनको दिखाया उनके प्राइवेट क्लिनिक पर, तो वहाँ पर हमें कंफर्म हुआ कि हमारी एक किडनी नहीं है। रिपोर्ट देखकर देखने पर पता चला। सर वो इसी बात की कंप्लेंट करने, हम डॉक्टर का नाम प्रेम मोहन गुप्ता है, सर्जन है कॉलमन हॉस्पिटल में जी। मैं, मेरा भाई है छोटा, मेरा नाम ब्रिजलाल है। जी आज, अभी आज जो है करीब 10:50 पे कुछ लोग आके मेरे कमरे के बाहर जो है तेज़ आवाज़ में बातें कर रहे थे और थोड़ा हंगामा का स्थिति हो रही थी। तो उसके बाद जो है मैंने तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आ गई और अस्पताल की व्यवस्था जो है किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हुई, उसको रेस्टोर किया। और उसके बाद जब मैंने हंगामा या उनके शोरगुल करने का कारण पता लगाया, तो ये पता लगा कि हरिकेश नाम का एक मरीज, जिसकी 25 वर्ष उम्र थी, जो पिता का नाम मथुरा प्रसाद, मलिन बस्ती गुलाबबाड़ी खुलदाबाद का निवासी था, वो गुर्दे में पथरी की शिकायत लेके अस्पताल में भर्ती हुआ था। सर्जन द्वारा वो ऑपरेट हुआ और उसके बाद जो है 25/10 को वो डिस्चार्ज हो गया था। उसके बाद जो है दोबारा वो जब आउटडोर में आया था, तो सर्जन ने उसको जो समस्या थी उसके लिए मेडिकल कॉलेज यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया था। सर्जन जो है डॉक्टर प्रेम मोहन, वरिष्ठ सर्जन है हमारे यहाँ, वो है। नहीं तो पेशेंट बता रहा कि जो और गुर्दा जो है किडनी निकाल लेने का आरोप पूरी तरह से असत्य और निराधार है, और इस तरह की जो है कोई भी चीज़ इस अस्पताल में हो ही नहीं सकती है। मरीज का ये कह रहा है डॉक्टर साहब कि जब अगर आपने किडनी निकाली, मतलब पथरी के, जी, तो परिवार वालों को दिखाया जाता है कि आपकी ये, मैंने एक जो है थर्ड डैमेज उसको निकाल दिया, हमको बताया नहीं गया, डार्क में रखा गया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, इस संबंध में तो मैंने पूरे जो है रिकॉर्ड और सर्जन
को खुद भी बुलाया है कि उस संबंध में वो ऑपरेशन में उन्होंने क्या किया है, ये चीज़ वो खुद बताएंगे। और उस तो ये मतलब जांच करेगी आपकी कमेटी? हाँ हाँ, इसकी जो है पूरी जांच जो है हम जो है करेंगे, जो भी आरोप है उनका बैठे, जो भी उनका आरोप है इस संबंध में पूरी हम जांच करेंगे, और उसके बाद जो है जो भी वास्तविकता होगी उसके अनुरूप नियमानुसार जो है एक्शन लेंगे। मेडिकल जब ले जाएंगे तो इनको सिटी स्कैन में उसमें दिखाया गया, दर्शाया गया है कि उनके में इसकी किडनी नहीं है, ये क्या आरोप है? जो मेडिकल लेकर गया है वहाँ पे उसका सिटी स्कैन कुछ भी हुआ है? अब इसमें जो है तमाम संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये है कि शरीर में जो है किडनी दो होती हैं, और अगर समस्या होती है ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन या हेमरेज अगर वगैरह की, तो ये इलाज में भी ये एक तरफ की किडनी जो है मरीज़ की जान बचाने के लिए निकाली जाती है। तो इसमें ये कहना बिल्कुल पूरी तरह से उनका असत्य है, निराधार है कि वो जो है ऑपरेशन में उनकी किडनी निकाल ली गई या चुरा ली गई, ये चीज़ संभव ही नहीं है। इस मामले में हमने जो है हम अपनी जांच कराएंगे, और अगर उनको जो है पूरे तथ्य बता के संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर वो हमें जो है अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसकी जो है हम दूसरे अस्पताल के डॉक्टर से और एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ एक बोर्ड गठित करके उससे जाँच करा के और तथ्य जो है सामने ला के रखेंगे। देखिए, ये गुलाबबाड़ी थाना खुल्डाबाद का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसने 17 तारीख को कालीवुड हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन कराया था, और जब आज तकलीफ हुई तो एसआरएन जाने पर उसे किसी ने ये बताया कि संभवतः उसकी एक किडनी गायब है, जिस पर आकर के उसने थाना सागरगंज में कंप्लेंट किया था। फिलहाल इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि कोई किडनी गायब नहीं हुई, बल्कि उसका जो एक पार्ट खराब हुआ था कुछ उसे काट करके ऑपरेशन के जरिए निकाला गया है। इस बारे में सीएमओ साहब से बात करके एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर लिया गया है, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई रहेगी।